Padarang karne bhi singlo ya madeva padarang paye ma cha mil ja jatara sri ram hai stutva gunastano nirgasi mahi deva hitam jadayo sarvinno sharan गुरु जी आचार्य पंडित राम रतन शुक्ल जी हमारे गुरु परंपरा में हैं। पंडित रघुनाथ मिश्र रघुनाथ शर्मा त्रिपाठी जी पंडित राम प्रसाद जी पंडित देव स्वरूप जी और आप श्री ये हमारा ग्रुप है। हमारे ग्रुप आपके ग्रुप में हम शिष्य हैं और हमारे विद्यालय के आचार्य डॉक्टर शिवाचरण उपाध्याय ने आपकी कृपा में पीएचडी किया है विद्यावारिध किया है। संयोग ऐसा हमारे ग्रुप में पहली बार आपको सफलता मिली। आपकी विद्वत्ता का आपकी तपस्या का सरकार ने सम्मान किया। आपको पद्मभूषण की शब्दी पदवी प्रदान कर सम्मानित किया। हम सब लोग बड़े ही प्रसन्न हैं और पहले से ही होना चाहिए था लेकिन बाबा विश्वनाथ की कृपा जब होती है तभी होता है वो संपन्न हुआ। आप पद्मभूषण से सुशोभित हुए भारत के हम सब के लिए गौरव का विषय है। आज मैंने आपके दर्शन और वार्तालाप के लिए प्रयाग से चल करके यहाँ आए हैं और कोई कार्यक्रम नहीं हमारा है फिर यहाँ से हम प्रयाग ही वापस हो जाएंगे। राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर ये हमारे कार्य के लिए पहले से निश्चित था निश्चित है लेकिन क्रमशः होना चाहिए एकाएक संभव नहीं होता है। श्री राम जन्मभूमि का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका और भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक न्यास बना दिया उसके अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। समय आवेगा बाबा विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होगी ऐसे मुझे आशा है। अगर प्रभु की कृपा हुई तो हम लोगों के सामने ही हो जाएगा हम लोग दर्शन करेंगे नहीं तो राम जन्मभूमि का दर्शन करके संतुष्ट होंगे। आगे की पीढ़ी बाबा विश्वनाथ का और श्री कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार देखेगी। गुरुजी कल दशक का पहला बजट पास हुआ भारत में और तमाम प्रतिक्रियाएं हैं राजनीति की तरफ से साधु संतों की तरफ से। गुरुजी आपकी प्रतिक्रिया क्या है बजट को लेकर? मुझे बजट के संबंध में कोई जानकारी नहीं है इसलिए उस पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता। गुरुजी पूरा देश राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहा है ऐसे में कलकत्ता के जो मुख्यमंत्री हैं ममता जी वो उनको कह रही है राम का नाम जहाँ लिया जा रहा है वहाँ उनका अपमान हो रहा है।
वो मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश की, उनकी अपनी सोच है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। गुरुजी, जगत गुरु शंकराचार्य जी आप बनारस आए हैं और पद्मश्री से भी हाल ही में सम्मानित हुए, अपने गुरु जी का सम्मान भी करने आए थे और आप भी साथ में हैं, किस प्रकार की औपचारिक बातचीत हुई? यह तो गुरु शिष्य परंपरा है। श्री काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष जी का सम्मान देर से ही सही, लेकिन भारत सरकार ने पद्म अलंकरण से सम्मानित किया है और पूज्य आचार्य रामयत्न शुक्ल जी के ऐसे सैकड़ों शिष्य, दर्जनों तो ऐसे हैं, पूज्य शंकराचार्य जी, पूज्य रामानंद आचार्य, रामभद्राचार्य जी, रामानुजाचार्य, राघवाचार्य जी, भवानी नंदन यति जी, सरीखे शिष्य संतों के समाज में हैं, सन्यासी हैं, वैरागी हैं, संत हैं, लेकिन इससे ज्यादा हजारों देश में संस्कृत के प्राचीन विद्याओं के बड़े प्रोफेसर, आचार्य, उपाचार्य ऐसे पदों पर भी काम कर रहे हैं। तो पहली बार ऐसा लगा कि किसी को यह सम्मान देकर के खुद वह सम्मान सम्मानित हुआ। आप खुद देखेंगे कि पीछे के वर्षों में भी यह सम्मान काशी के लोगों को मिला था, लेकिन इस वर्ष जिसे सम्मान मिला उसके घर की रौनक क्या है और आने वाले शिष्यों की प्रसन्नता का स्तर क्या है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुरु जी, आज आपसे जगत गुरु शंकराचार्य जी शिष्य के रूप में मिले हैं, क्या कहेंगे? आपको सम्मान भी किए हैं। वासुदेव शंकराचार्य जी आए, आपसे मिले आज, कैसा लगा आपके शिष्य मिले? हमारा अहोभाग्य हुआ, ऐसे लोग कहीं प्रधान मिलते हैं। विश्व के प्रसाद हैं हमारे पूज्य स्वामी जी, सर्वाचार विचार पूर्वक।